हम ये सोच रहे थे इफ हु हम कौन है? मैं हांडा कौरव श्रुति रोहन इफ वी एट वेयर मेजॉरिटी मेजॉरिटी मिलके बाकी लोगों को निकाल निकाल के इफ वी एट कैन गो टिल टॉप एट बिकॉज वो भी आके बात करने के लिए रेडी है तुम्हारे साथ बट दिस जिसका नाम मैं ले रही हूँ बाकी सब गौरव रोहन श्रुति बाकी सब हाँ इफ इट इज ओके विथ यू गाइज एंड अगर तुम प्रॉमिस रखने के लिए रेडी हो इवन दे आर रेडी टू गिव इट देयर ऑल ठीक है यू गाइज कैन टेक टाइम एंड थिंक अबाउट या वी माइट ओनली टेक सम टाइम एंड देन द न्यू विनिंग पेयर गौरव एंड श्रुति विल गेट अ चांस टू गो ऑन अ डेट टुनाइट रोहन की शक्ल काफी छोटी सी हो गई थी जैसे पता चला कि श्रुति और गौरव डेट पे जाने वाले हैं आई एम नॉट टू एक्सप्रेसिव आई डोंट क्राई आई कांट डू ऑल ऑफ दैट बट लाइक इनसाइड आई वाज हर्टिंग अ लॉट हम बहुत पान में रोने लग गए थे नहीं है मेरे को पता है मेरे को पता है लिसन आई विल टेल यू वन थिंग इन लाइफ एक ही जिंदगी तुम बाद में रिग्रेट करने से पहले अभी डिसीजन लो इट इज हार्ड बट यू शुड ऑलवेज फॉलो इट सबसे पहले आप खुद से प्यार करो बहुत ही ऑकवर्ड है क्योंकि गौरव को मैं काफी टाइम से जानती हूँ एंड वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स तो चलते हैं डेट पे इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एंड हम रेडी हुए तो जब हम वहाँ पहुंचे सेटअप वैसे तो काफी सुंदर था तो मैंने सोचा अगर मैं रोहन के साथ आई होती तो शायद ये सेटअप बहुत अच्छा होता हाय शु आई गॉट दिस फॉर यू थैंक हम दोस्त रह चुके हैं बट आई एम जस्ट सेइंग आई वांटेड टू गिव दिस टू यू बिकॉज़ आई वांट यू टू नो दिस इज व्हाट यू डिजर्व एज अ यंग ब्यूटीफुल वुमन Wanted to make her feel nice about herself and the whole thing because काफी time से वो बहुत सारी problems face कर रही थी क्या चल क्या रहा तेरे दिमाग में पता नहीं यार मैंने बात करी है रोहन से but he's not ready to talk और वो अभी भी गुस्सा हो गया कि हम date पे आए हैं तो पता नहीं यार देखते हैं कहाँ जाता है बात करेगा तो करेगा अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती और कुछ I'm glad that I'm actually on this show because I had no idea that this is going to happen to you when you come on the show. लाइफ में इन जनरल मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं गौरव से ही बात करती हूँ आई फेल्ट लाइक कि है मेरे साथ कोई इज गोना सपोर्ट मी तुझे पता है सारी लड़कियों की नज़र है वैसे तुझ पे जस्ट बाय द वे अनुष्का ने मुझसे पूछा था क्या बोली थी कब पसंद है तुझे अनुष्का आई लाइक हर पर्सनालिटी बट शी इज टू फ्लिपी फॉर मी बहुत मेरे को लगता है कभी भी फ्लिप हो जाएगी जितनी मेरी अभी तक उससे बात हुई है been good so far kal meri anushka se ye baat hui hai would you be willing to let go of this guy kabir main tera relationship with kabir disturb nahi karna chahta but I want to know if we guys can you know kind of build a connection agar hum connection bana sakte hain to usne bataya ki usko anushka thodi achhi lagti hai but wo flip karti hai bahut zyada isliye usne bola he is not going to perform with anushka I don't know if that's the best case scenario for you but For me, the best case scenario is that I partner with you. You thought कि मुझे नहीं पता. तेरे को कैसे पता होएगा? I'm too. हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं. Why don't you ask me 5 questions about yourself if I answer them correctly? Favorite song. बोले चूड़ियाँ. Favorite color. Pink. बताओ मेरे को favorite food. तेरा favorite दही कचौड़ी है. Favorite movie. अंदाज़ अपना अपना. You suck. I'll tell you your favorite movie. कभी खुशी कभी गम. What is your favorite? रंग दे बसंती. Favorite color. Black. Tell me my favorite celebrity. Somebody who really. Oh, very nice. Good. इतना तो पता ही. You won. Give me the friend of the year award. Thank you. It was such a wonderful date. I had such a good time with my best friend. Hey, let's take a selfie on B612 app. Chal jee le ye pal masti aasma ke tale. But I'm happy about the fact that you're laughing so much. Finally. Finally.
finally. Thanks for coming. Love you, zindagi. Everything was happy. Date puri achhi gayi and khatam hone ke baad hum dono wapas villa gaye. Please welcome the very good looking, the charming Gaurav and Shruti. I also had like a really good dinner with Rohan. Oh, are you guys connecting? We are connecting. Ne? Hey, main jhoot bol rahi hu bro. Toh matlab. Maine kaha? Kya ho gaya? Maine but meri sach mein usse baat hui. Yaar, usne bola ki wo bahut sorry tha. Apologetic tha uske actions ke liye aur usne baat bhi kari tumhare bare mein. Bas tumhare bare mein. Aur kuch baat nahi karta munda wo. Acha hai. Bas, he's not in the right mind space right now. I know, but main chahti hu main usse baat kar lekin wo abhi nahi kar raha hai mujhse baat, to mujhe pata hai. Give it some time. Haan, give it some time. Exactly. Rohan nahi aaya tha mere se date ke bare mein puchne ki kaisa hua, because of obvious reasons, but mujhe pata hai ki wo bahut understanding hai and hamare beech mein cheeze sab sort hone wali hain. सुबह सुबह जब हम उठे तो एक स्क्रॉल आया. हेलो स्प्लिट्स विलन्स, आज एक आइडियल मैच सीक्रेट सेशन के लिए जाएगा और ये डिसीजन सिर्फ आइडियल मैचेस का होगा. सीक्रेट सेशन में जब भी कोई जाता है, अगर सब कुछ अच्छा गया तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है. अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं. So, सारे आइडल मैचेस एक जगह बैठे एक रूम में और टू डिसाइड एक्चुअली कि कौन जाना चाहता है. So, who wants to go? मैं एक भी सीक्रेट सेशन में नहीं गया. हम दोनों जाएंगे. मैं भी सीक्रेट सेशन में गया नहीं हूँ. मैं भी नहीं गया. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ा डर भी लग रहा है. पता नहीं मेरा गट क्या बोल रहा था उस टाइम पे. मैंने हाथ ऊपर किया और मैंने साइड में देखा अंशुमन का भी हाथ ऊपर है, तो मैंने बोला कि यार हम लोग सही में आइडियल मैच बने हैं. साले हम दोनों खुराफाती दिमाग के. तुम बड़ा हाथ खड़ा कर रहे हो, तुम्हें पहले से बताया क्या होने वाला है? नहीं, पर मुझे, मैंने कहा यार अब 7 दिन बचे हैं, रिस्क ले लेता हूँ. हमने बोला ठीक है भाई, इतना ही फुदा करे हैं तो इनको ही भेज देते हैं. So I think all the ideal matches they were thinking कि किसको जाना चाहिए. मेरे हिसाब से अनुष्का कबीर को जाना चाहिए था उसके लिए, because अनुष्का की और मेरी अब दोस्ती होने लग गई है and हमने काफी बातें भी करी हैं अभी तक. उनको ही जाना, तुम लोगों में से किसी को नहीं जाना था. मैंने और कबीर ने सोचा था, but then अंशुमन रोशनी were very strong. जाना ही था. अनुष्का के पास आके गौरव बार बार बोले जा रहा था कि आई थिंक आपको और कबीर को ओरेकल के साथ सीक्रेट सेशन पे जाना चाहिए. क्यों, कहीं ना कहीं होप कर रहा था कि अगर कॉन्सिक्वेंसेज हो तो हमें हमारे से हमारी आइडियल मैचेस की पावर ना छीन लें एंड गौरव को अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए अनुष्का के साथ. देख लोग जिसको चाहिए, ये ध्यान रखना तेरा मेरा अच्छा कनेक्शन है, अच्छा मतलब जो भी है, एटलीस्ट यू गाइस टॉक नाइसली राइट. बट दिस इज अ ह्यूज थिंग जिसके लिए आई थिंक यू गाइस शुड नो व्हाट यू वांट. एवरीबॉडी इन द विला कुड सी दैट गौरव उनका थोड़ा अट्रैक्शन हो गया था मेरे से. ही स्टार्ट लाइकिंग मी और व्हाटएवर इट इज. गाइस ऑफ हैप्पीनेस आई एम नॉट इवन किडिंग. अभी कुछ बोलते गया क्या? हां, उसको भी बोला था, आई थिंक वी हैव अ कनेक्शन. तीसरी बार तो कहीं ना कहीं ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था एंड आई गॉट रियली अनॉयड बाय द फैक्ट दैट ही इज कांस्टेंटली ट्राइंग डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मेरा कनेक्शन है. व्हाट डिड ही से राइट नाउ? कि वो बोल के गया कि वो बोल के गया तुझे कि वी हैव अ कनेक्शन. देखो पता है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है उसे, जैसे ही बोला अच्छे हमारी एटलीस्ट बात होती है. आई डोंट नो व्हाई इज ही एक्टिंग लाइक दैट. और अपनी बार बताएगा वो. एंड द रीजन आई आस्क्ड टू टेल हर टू बैक ऑफ, शी टू फ्लर्ट, दैट यूज्ड टू बी एविडेंट. ही इज नॉट फ्लर्टिंग. आई डोंट केयर, इट्स द सेम फॉर मी. वाओ कबीर, अमेजिंग. कबीर समवेयर और द अदर थोड़ा इनसिक्योर तो नहीं बोलूंगी, बट अनकंफर्टेबल हो गए थे गौरव के प्रेजेंस में. कबीर केम इन टू द रूम बहुत ही जोश में और बहुत ही गुस्से में चल के आया मेरी तरफ. पीछा पड़ी गया उसके, छोड़ ही नहीं रहा एंड बार बार उसको इन्फ्लुएंस करे जा रहा है. अगर मुझे किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, ऑफ कोर्स आई विल गो आउट एंड टॉक टू पीपल वेदर दे आर आइडियल मैचेस और नॉट. आई मीन आई हैव कम हियर टू प्ले द गेम, आई हैव कम हियर टू मेक कनेक्शंस. नहीं हो रहा, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, नहीं हो रहा ना, होना पड़ेगा. अब
होना पड़ेगा तू होएगा देखते हैं हाँ देखते हैं देख नहीं और तू देख देख दिखाऊंगा चेक करके वो देख करके मैं तेरे को दिखाऊंगा देख तू देखना तू देख यार तू देख देख तू आज टास्क दिया था मैं हर जगह और दिखाऊंगा यू जस्ट बीइंग वेरी स्टूपिड जस्ट बीइंग एंड यू बीइंग स्टूपिड इनसिक्योर Apparently he's an insecure in life mein buddy that's your problem and that's not even your girl's problem kabhi thoda sa trust kar le anushka pe teri sir ye karke tune dekha ke tune uske andar se bhi chup chup karne se kuch nahi ho sakta kaise bataunga ye dilli ka kutti mera main tere dilli dikha do main yahan se dilli le aaunga maarte hue Kabir was really pissed off. I think that was the first time मैंने कबीर को इतने गुस्से में देखा था. And he wasn't flirting with me. Gaurav confronted it. Samyukta, Anshu ने बोल दिया Samyukta ने बोला कि Samyukta ने आके Anshu को बोला कि Gaurav ऐसा बोल रहा है. Where is Samyukta Gaurav? Now you talk to them. What the? I don't know. थोड़ी देर बाद वो जो रात को हेड काउंट वाली बात हुई थी वो फिर से बाहर आई अंशुमन और रोशनी ने निकाली तो तूने दत्ता को ऐसा बोला कि गौरव ने ये बोला है कि पहले अनुष्का कबीर और फहद दत्ता को उड़ाते फिर आठ लोग का टीम बना नहीं अंशुमन को अंशुमन को बोला अंशु आई नो यू आर रियली गुड एंड ऑल ऑफ दैट बट चालू होने की कोशिश मत करो तुम अपना गेम खुद खेलो डोंट spoil another person's game हाँ जी बताना समयुक्ता ने क्या बोला समयुक्ता ने क्या बोला यही बात हुई थी हमारी कि हम उसने गौरव का नाम लेके बोला ये नहीं नहीं उसने बोला वहाँ से मैसेज आया है इस तरफ से अभी लोग बात करने आएंगे यहीं से ही गौरव श्रुति रोहन की तरफ से कि व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हम आठ लोग साथ में हो जाएंगे एंड देन वी विल वन बाय वन टेक देम ऑल लेट मी मेक दिस सिंपल लेट मी मेक दिस ये बात हुई है कि कबीर इज टारगेटिंग मी अब तो एविडेंट है ये इसको टारगेट कर रहे हैं और ये चाहता है कबीर अनुष्का को निकाले तुम लोग उस डिसीजन में साथ नहीं थे कबीर कबीर तुम लोग उस डिसीजन में साथ नहीं देने वाले हो दैट्स व्हाई वी वेंट एंड स्पोक टू देम कबीर ने ऐसा कोई गेम प्लान नहीं किया उसने मैंने तो क्लियरली कबीर ने सबको जाके ये बोला कि मैं परफॉर्म करूंगा और उसको हराऊंगा उसको हांडा के पास आके ये बात करने की जरूरत नहीं है ना कि हम गौरव को निकालने की सोच रहे क्या बोला था तुझे निकालूंगा रोहन को तुझे निकालूंगा इसको निकाल रहे तो दिस इज क्लियर अब हम ये थोड़ी सोच रहे तुम आइडियल मैच हो तो हम अरे डर के बैठे हांडा हम इधर की बातें उधर करती हैं उधर की बातें इधर करती हैं शी वेंट टू गौरव शी सेड ओ कबीर इज प्लानिंग टू वोट यू आउट नेसेसरी है ये सब जाके बताना हांडा इज द वन हु वेंट एंड टोल्ड गौरव दैट यू बीन प्लॉटिंग अगेंस्ट गौरव तूने कहा नहीं मुझे कि मुझे गौरव को बाहर निकालना है फॉर द सोल रीजन बिकॉज़ आई गॉट टू दैट्स इट मैंने क्या बता दिया एक जगह से गोली चली गई दूसरी जगह से चली गई दैट्स सिंपल एज दैट नाउ यू गॉट अ ट्रस्ट आई मीन यू गॉट अ अरे पल में क्या गलत है भाई मैंने तो नहीं बोला आके मुझे बताओ स्नेक अनुष्का कॉल्ड हांडा अ स्नेक मेरे को ऑलरेडी इतना गुस्सा था मुझे और डबल गुस्सा आ गया इवन यू आर अ पार्ट ऑफ गैंगिंग अप अगेंस्ट ऑल ऑफ अस बिकॉज़ यू आर गैंगिंग अप अगेंस्ट रोहन नाउ यू आर नॉट इवन परफॉर्मिंग विद रोहन यू हैड पर्सनल इश्यूज एंड यू डेफिनेटली बट यू वोंट परफॉर्म विद हिम एनीमोर दैट हैज टू हैव यू राइट यू आर यू नो द होल प्रॉब्लम नो यू नो द होल प्रॉब्लम I asked you right now. I'm going to perform with Gaurav. Don't instigate me.
बिलो द बेल्ट हिट करती है, गेम के लिए वो पूरी बदल चुकी है। पर मैं इंजॉय कर रही थी बाहर बैठकर, क्योंकि जो तुम्हें बड़ा दोस्ती यारी करते हो, गेम जैसे आगे आगे जाएगा तुम्हारी सब दोस्तियां निकल जाएंगी और तुम आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होगे। और वही बात हुई, शी नो द होल थिंग एंड दैट्स व्हेन शी शाउटिंग एट मी बिकॉज़ शी वांट्स टू बी सीन और व्हाट। बिना बात के चिल्लाए शी कैन कॉल समबडी स्नेक एंड वो मुझे जो उल्टा बोले दैट्स ऑल जस्टिफाइड। नो शी थिंक्स आई एम स्कैर्ड ऑफ हिम, उसको भी थप्पड़ बजा देती। पहले ही अनुष्का के ऊपर से मेरा ट्रस्ट थोड़ा उठ चुका था क्योंकि वो मेको और रोहन को निकालने की प्लानिंग कर रही थी कबीर के साथ मिलके, तो मुझे गुस्सा और ऑलरेडी बहुत था उसके ऊपर। देन आई अगेन आस्क टेस्ट जो वन छोड़ के भी आगे तो गौरव के साथ परफॉर्म करेगी, शी सेड यस। हाउ इज दैट पर्सनल एनीमोर? जब तक गौरव नहीं था आप मुझे ये बोल रही थी कि अनुष्का आई एम इन लव, ओके फाइन आई डोंट वांट टू गेट दैट यू आर इन लव व्हाटएवर दैट्स पर्सनल, बट मी आस्किंग यू हु यू आर गोना परफॉर्म विद दैट इज एवरीबॉडीज कंसर्न इन स्विट्जरलैंड। थोड़ी देर बाद अनुष्का मेरे रूम में ही रहती है तो अनुष्का आई। लेट्स कीप इट स्ट्रेट टू द पॉइंट, तूने मुझे अभी क्या बोला कि मेरी और गौरव की कल डेट पे बात हो गई है, हम लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे, राइट? यस। देन व्हाई विल ही इन्वेस्ट हिज टाइम इन ट्राइंग टू टॉक टू मी कि अगर तू सोचती है कबीर को छोड़ने का विल यू परफॉर्म विद मी? वो आस्क हिम दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, व्हाई डोंट यू गेट योर शिट क्लियर विद गौरव? अरे यार इट्स क्लियर, व्हाई आरंट यू अंडरस्टैंडिंग द शिट इज क्लियर बिटवीन मी एंड गौरव? गो टॉक टू गौरव, गो आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, यू आर अज्यूमिंग थिंग्स, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी assumption sahi hai, tum jo bolo sahi hai. Then why is he talking to me? Then why is he talking to me? Are you uski marzi yaar? Ha to ye bol, it's decided from your side, it's decided from your side, say this is decided from your side, not from his side. This relationship is okay with me. Yelling is not gonna help, yelling is not gonna help. You had a problem with me mentioning things also jiske wajah se tujhe sympathy mil raha hai and now you have a problem. Yeah, very much, very much. Kya kon sa re yaar, let's be seen, let's get the bitch. Anushka, you've gone mad for the game. I'm telling you. Panda, rehne de. You've gone crazy. Please, rehne de. I'm telling you. Rehne de. Tu crazy ho chuki. Tu abhi wahan par aake kya bol rahi hai? Tu abhi wahan par aake kya bol rahi hai? Mera bond tere saath ye hai, wo hai. Tabhi maine se bol rahi hu ki who called her a snake? Who called her a snake? She called me snake and she called me my play. Are tu kaun hai? You're a queen. You're a queen. Are you a queen? Are you a queen? Are you a queen? निकालने वाला है तुमने निकाला भी काला भी।
अनुष्का बहुत ज़्यादा बोलती है, शी इज़ वेरी 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 इरिटेटिंग. तमीज़ आप मुझे समझा रहे थे, शायद आप में है ही नहीं. पर तू तो ये जो कर रही है ना, ये किसी और को जाके कर रही हो. हीरोइन होगी ना कहीं अपने घर पे होगी, यहाँ पर नहीं है. मैं क्वीन हूँ, मुझे बोल रही हो, मुझे क्वीन, मैं क्यों हूँ इसकी, क्या क्या बकवास कर रही है. क्या जीतती है तुझे शो, जीतती है. जिस दिन जीतूंगी ना, हाँ तेरा क्या ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे चिंता ही नहीं है. तू जीत, जीत घर पे अपने, घर पे. Stay away, stay away, stay away. मेरे मुंह पे चढ़ के उसने बोला था तुझे हराऊंगी और तुझे दिखाऊंगी. तो अब तो मेरे दिमाग में है ये कि कोई हो ना हो मुझे अनुष्का को हराना है और मैं उसको दिखाऊंगी. शी सेड मैं तेको तेरी औकात दिखाऊंगी एंड आई वांट टू डू द सेम टू अनुष्का. जब हम लोग सीक्रेट सेशन के लिए जा रहे थे, हम यही सोच रहे थे कितने हैं हम. कुल्हाड़ी हमारे पैर के ऊपर नहीं गिरी, हम लोग कुल्हाड़ी के ऊपर जम कर रहे हैं इस बार. तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ओरेकल पता नहीं क्या बोलेगी. अंजुमन ने इतना टाइट होल्ड करके रखा था कि रोशनी लगने वाले अपन के, क्यों आए अपन यहाँ पे. एक्साइटमेंट में ये डिसीजन ले लिया है, बट ऐसा ना हो कि वो बोले ओरेकल की आज आपका आखिरी दिन है. अब जो होगा देखा जाएगा. Oracle, what do you want to say? नए लोगों के आने से स्प्लिट्स विला का डायनामिक्स चेंज हो गया है. अब विला में एक ऐसा आइडियल मैच है जो ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार आइडियल मैच नहीं रहा. You were like, what the? वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था. अगर आपने ढूंढ लिया देन यू विल हैव अ पावर, अदरवाइज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है. कोई एक आइडल मैच नहीं रहा, और अगर हम हुए तो. अगर गलत गेस किया तो तुम्हारे लग जाएंगे. हो आगे स्प्लिट्स विलन्स, आप लोग यहाँ पर अपने अगले टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज के लिए आए हो. कल मायरा आप जीती. यस सर. श्रुति और गौरव आप जीते, लेकिन मायरा यू वन विद फहाद. और यहाँ पर जो भी जीतता है शायद उनमें से किसी को एक मौका मिलता है ओरेकल के सामने जाने का. यस सर. इन दिस केस फहाद आपके साथ नहीं जा सकते, और दो ही लड़के हैं जो आपके ऑप्शंस में हैं. एक है रोहन, और एक का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, हिज नेम इज सिम्बा. सो आई वुड लाइक टू आस्क रोहन. नॉट सिम्बा. नो, सिम्बा के साथ आई डिडंट वांट टू परफॉर्म. And बचे कौन? रोहन. So I just asked him. रोहन, अगर आप मायरा के साथ परफॉर्म करेंगे आपको मौका मिलेगा टू बी सेफ. Yeah. Right? Yeah. Are you sure? Yeah. Just made sense that you know, if I can sort of perform and help her win, I'd be in the safe zone as well. Rohan, you have actually said that you love Shruti. You wrote a love letter also. You guys have said I love you to each other in front of all of us. And the thing is कि आपने बोला था कि मैं श्रुति के लिए शो भी छोड़ के चले जा सकता हूँ. Yeah. But now I guess like for the purpose of this challenge, I'm gonna give my 100% because she's picked me. If we win, we win. If we lose, we lose. So अब ये फिर से intense होने वाला था because Rohan and me versus Shruti and Gaurav. आज के Test Your Bond Challenge में दो मैचेस होंगे. एक श्रुति और गौरव वर्सेस मायरा एंड रोहन. जो दूसरा मैच होगा वो दो आइडियल मैचेस के बीच में होगा. उनमें से जो आइडियल मैच जीतेगा उनको मिलेगी एक स्पेशल पावर.
अब ये दो आइडियल मैचेस कौन होंगे वो आप दोनों नॉमिनेट करेंगे, इट्स अप टू यू। जस्ट इमेजिन, एक तो आप पहले ही आइडियल मैच हो, तो इतनी सारी पावर्स है, ऊपर से एक और पावर। आयरा हम भी परफॉर्म करना चाहेंगे अगर तेरे को लगता है। We want to perform, like we really want to perform. Because I think at this point in time, we are the ones. Yeah, the winning ones. I think are being targeted. कौन टारगेट कर रहा है यार कबीर को? मतलब he was targeting Rohan, अब गौरव आ गया है। तो सब एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं यार। आप लोग जितना मर्जी एक दूसरे को टारगेट कर लो, योर कनेक्शंस आर और द पार्टनर्स आर एटलीस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड थिंग। नॉट एनीमोर। ओह, आई डिडंट हैव दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, रोहन और मायरा एक साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एक ऐसा आइडियल मैच है, हु विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ पावर। Fahad and Datta. Gaurav and Shruti. Handa and Shagun. Myra, से expected नहीं था कि वो हमारा नाम छोड़ के Fahad and Arushi Datta का नाम लिखेंगी, क्योंकि I've been helping Myra at every stage में उनके लिए बहुत tasks perform करें, बहुत challenges perform करें। आज के आपका Test Your Bond Challenge का नाम है Denver, गाना बजाना। आप सब बॉलीवुड के फैंस हैं? Yes. सबसे अच्छी नॉलेज किसकी है बॉलीवुड? मैंने कहा ये तो गानों के ऊपर है एंड इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है, मैं आपको बॉलीवुड कीड़ा बुलाती हूँ। मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मुझे हिंदी गानों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। एक पेड़ पे लगे हुए बहुत सारे स्क्रोल्स हैं, हर स्क्रोल में एक बॉलीवुड जोड़ी का नाम होगा। जब यहाँ से आप स्क्रोल पढ़ेंगे वहां से लेकर मटके तक जो आपको जाना है, इस पूरे चैलेंज के दौरान लड़कियां लड़कों के ऊपर पिगी पैक करते हुए ये पूरा चैलेंज करेंगे। मैं कहीं ना कहीं हेल्दी हूँ, आई वॉज लाइक यार मेरा इतना ज्यादा वेट है ये लड़का कैसे उठाएगा। आई डोंट वॉन्ट द गर्ल्स टू फील अनकम्फर्टेबल, बॉयज आई विल हेल्प यू आउट, यू कैन ऑल स्मेल बेटर, आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। वाव गौरव, गो गौरव। बीच में तीन अलग अलग ऑब्स्टिकल्स भी, एक नेट है जिसके नीचे से क्रॉल करते हुए आपको जाना है। दिस इज गोइंग टू बी टफ, क्योंकि जब लड़के क्रॉल करेंगे इतना स्पेस नहीं है उस हर्डल और जमीन के बीच में कि वहां पे दो लोग आराम से आ जाए। उसके बाद टायर्स हैं और एंड में कुछ हर्डल्स हैं जिसके ऊपर से आपको जाना है। अंत में जब आप मटकों के पास पहुंचेंगे जो भी वो जोड़ी होगी उसके नाम का एक गाना वहां पे जरूर होगा। अगर आपने उस जोड़ी के नाम के गाने का मटका फोड़ दिया तो जरूर आपके रंग का कलर निकलेगा। अगर आपके रंग का कलर निकला तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। अगर किसी और ने भी एक मटका फोड़ा जिसमें आपके रंग का कलर निकला है तो किसको पॉइंट मिलेगा? आपको। ओके? यस सर। मैं थोड़ी हल्की हूँ वेट में कंपैरेटिवली टू आरुषि हांडा, तो उसको दिक्कत होगी उठाने में, पहाड़ दी होपफुली उठा लेंगे होपफुली। दत्ता का वेट कम है, उस मामले में मेरे पास एक डिसएडवांटेज था, पर मैंने कहा चलो अब पंगा ले लिया तो निपटाना तो पड़ेगा ही। टेक योर पोजीशंस। बिजली की देगी। शगुन बहुत एग्रेसिव या कुछ भी उपयोग करने लग जाता है टास्क में और ये मेरा उसके साथ पहला चैलेंज था। आई वाज लाइक भगवान सब अच्छा हो जाए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बिजली की देगी। जैसे ही मैंने हांडा को अपने ऊपर उठाया, हांडा इज लिटरली वेरी हैवी। मटकों का तो पता नहीं लेकिन ये चीज मेरे को 100% पता थी कि शगुन के कंधे तो जरूर फूटेंगे आज। 3, 2, 1, गो। गो रहा, चलो। चल हांडा। स्क्रॉल उसने पढ़ा और एक जोड़ी का नाम आया, आयुष्मान खुराना एंड कृति सेना। मेरे दिमाग में सोच रही थी कि मैं कौन सी मूवी से होगा और कौन सा गाना हो सकता है। आराम से पकड़ ले उसको। शाहरुख खान कैटरीना कैफ। शाहरुख खान कैटरीना। आई वाज लाइक यू ढूंढ लेंगे हम ये तो। ऊपर आ गए। लेट्स गो।
बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं कुछ आर्मी में हूँ और ऐसे क्रॉल करके जा रहा हूँ फट 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 Good job, Fahad. Good job. आरुषि और फाज को क्रॉस भी कर चुके होते हैं. Come on. I was like, भाई, कैसे सांप की तरह एकदम से निकल गया और अभी भी हम उसमें फंसे हुए हैं. तो वाज लाइक शगुन चल चल चल. तू मेरे को लॉक करना, पैर से लॉक कर. मैंने शगुन का शक्ल देखा एंड आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हिम क्योंकि अगर वो मेरे साथ होता तो आराम से कर लेता. कम ऑन शगुन, चल 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 शगुन चल. हांडा मेरे ऊपर थी, माँ कसम इतना डाउन टू अर्थ मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना मुझे वहाँ होना पड़ गया था. यस यस, मैं बहुत खुश थी कि चलो कहीं ना कहीं तो फायदा हुआ मेरे हल्के होने का और हांडा के भारी होने का कि बहुत जल्दी जल्दी ये चैलेंज कर रहा था. गो 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 गुड हार्ड कम ऑन इजी इजी वेरी गुड. अपने घुटने से चलेगा आसान हो जाएगा. चल 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 खड़े हो जा. चल खड़ा हो जा खड़ा हो जा. तो मैं उठा ओ फिर मेरी मतलब मेरी आत्मा ऐसे दीवार पर खड़ी होगी थी. क्या करना भैया, झेला नहीं जा रहा हूँ, हटा ले ले निकल जाए क्या. चल 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 एक एक करके एक एक करके. गुड 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 वेरी नाइस. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मेहनत वाला जो काम था वो बेसिकली लड़के कर रहे थे और हमें सिर्फ वहां जाकर कंफ्यूजन से बचकर फटाफट अपना मटका ढूंढना था और उसको फोड़ना था. चल चल वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया शगुन बहुत बढ़िया. किसी तरह एक दो तीन हर्डल क्रॉस करते हुए हम लोग वहां पहुंच गए. आराम से कर रहा, जल्दीबाजी नहीं. इधर 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 इधर. मटके खुद घूमे जा रहे थे वो हवा में टंगे हुए, तो नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था. तू डाल डाल घूमे, ये पात पात घूमे, चकमा ये जिंदगी हर किस मोड़ साथ छोड़े. ओए सब जगह देख, सब जगह आगे पीछे. इधर 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 इधर. जैसे ही मटकों के पास पहुंचते हैं गाना ही नहीं मिलता. फिर मैंने देखा एक मटके पे लिखा था स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा और मुझे याद आ गया कि ये गाना आयुष्मान और कृति सैनन का है. स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा. I was really happy कि पहला गैस जो था वो सही था और मैंने सही गैस किया. नहीं है मेरे बाग हुआ मुझे लग रहा है मेरे बाग हुआ. आगे बढ़ा. ओह पिंक यस. दो पॉइंट हो गए, उन्होंने पिंक फोड़ा है. ओह टू पॉइंट टू पॉइंट. हांडा मानने वाली कहाँ है, मेरे साथ म्यूचुअल डिसीजन ना मानना तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ा कारोबार है. कोई बात नहीं शगुन लेट्स गो. फ्री फंड में ही हम बेवकूफ उनको एक और पॉइंट देते हैं और स्कोर होता है 2-0. हांडा होल्ड योरसेल्फ अप. तू खुद को हांडा होल्ड योरसेल्फ. अक्षय कुमार राधिका पे. आई नो इट दिस वन. चल 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 चल. हांडा यू कैन ऑलवेज नॉट हिट. मैं दूसरी बार गया और अभी थी थोड़ी जान. सलमान खान का टर्न था. कोई भी गाना. लॉकर 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 लॉक. लॉकर पैर लॉकर. मैं थोड़ा सा साइड में देखती हूँ तो शगुन एकदम ऐसे केकड़े की तरह क्रॉल करता हुआ जा रहा होता है और ऑन दी अदर हैंड फहाद एकदम फट 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 फटाफट से निकल आता. निकल गए. नहीं 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 आगे हो गया. आउच आउच आउच. मेरी पीठ पे एकदम से लगती है. मैं बस लाइक मैं आज पूरी की पूरी छिनने वाली हूँ. आरुषि दत्ता और फहाद आर लीडिंग बाय 2-0. बहुत अच्छा कर रहा है शगुन. वेरी वेरी गुड. गो फहाद गो. गाना सोच मूवी सोच. अगर पीछे दाएं बाएं कहां कहां से गुजरे. करेक्ट वाला मार. थ्री जीरो. आई वाज लाइक शिट
ये वो तो ये सलमान कैटरीना का गाना खो ही नहीं सकता और उसमें से पिंक कलर निकलता है। हांडा लॉक योरसेल्फ अप, पैरों को ऐसे लॉक कर। शगुन और हांडा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हांडा अपने आप को होल्ड नहीं कर रही थी ऊपर। इस टाइम में शगुन थक चुका था एंड आई वाज लाइक शगुन थकना नहीं है। आलिया भाई सुधार कर लो। लॉकर 8 मिनट्स अप। चल इजी है गाइस, कम ऑन। लॉकर लॉक करूंगी तो नहीं होगा। लॉक करो। हां चल ना, हाथ हाथ मिले लॉकर। शगुन एंड हांडा आई थिंक उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो एक दूसरे से लड़ी जा रहे थे व्हाइल दे वर एक्चुअली परफॉर्मिंग द चैलेंज, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था देख के, बिकॉज हमने उनको कुछ सोच समझ के पिक करा था। और जगह नहीं है उसके ऊपर यार, चल चल थोड़ा झुक जा। तुम पकड़ के रख, तुम एग्रेसिव, मैं भी पकड़ रही हूं। इस बार स्पीड बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि हांडा जान निकाल रही थी मेरी। ऊपर ऊपर चलो, थोड़ा और आ जा, बस हो गया। ऊपर ऊपर चल 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 ऊपर ऊपर। हां वेरी नाइस, होल्ड अप, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वाज लाइक भाई हमेशा बोलते रहते हो रिस्पांसिबिलिटी हूं रिस्पांसिबिलिटी हूं, तो आज आपको मौका मिला है पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी अपनी पीठ पे उठाने की। गाओ बच्चे की जान लोगे क्या। 10 मिनट्स अप। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ब्रेक दैट वन। ये फोन नहीं है, वो नहीं है कोई भी, मैं देख चुकी हूँ बाहर, ट्रस्ट मी। तीनों अक्षय कुमार थे ना? नहीं पक्का? राधिका आप पे अक्षय कुमार मैं जा रहा हूँ। नहीं तो क्यों फोन है वो? राधिका आप पे अक्षय कुमार के साथ कोई फिल्म नहीं करी। तुम चुप हो। नहीं आई वांट टू ब्रेक द रॉन्ग वन। कटीना अक्षय? नो इट्स नॉट कटीना अक्षय यार, हमारे कार्ड पे राधिका आपते हैं, अक्षय कुमार है। व्हाई जी कराए, उन्होंने फिल्म कराए, मारो कराए फिल्म, टॉयलेट प्रेम कथा करा उन्होंने साथ में। फाइनली थोड़ा टाइम लगा लेकिन आरुषि को याद आ गया। हीरा 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 पास ला उसके। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा हो गया तेरे कान। स्टॉप मी, छोड़ दे। ये दूसरा ना तोड़ दियो। हमने फोड़ा और हमारा रंग गेरुआ हमारे ऊपर गिर गया था और हमें एक पॉइंट मिल गया था। थर्ड स्क्रॉल जब हमने खोला तो उसमें लिखा था शाहरुख खान अनुष्का शर्मा। चल मुझे बता कौन सा फहाद और मैं आई थिंक जब भी परफॉर्म करते हैं आउट ऑफ द परफॉर्मेंस, चाहे हम काफी लड़ते हों और हमारी हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती हैं, लेकिन जब भी परफॉर्म करने की बारी आती है तो ऐसा लगता ही नहीं है मुझे कि हम दो अलग लोग हैं। 12 मिनट्स अप। सिर्फ 3 मिनट है। चल 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 शगुन। मैं जब भी देख रही थी फहाद और दत्ता, पता नहीं क्या आगे उन्होंने क्या ऐसा पी के आए थे, क्या खा के आए थे, वो हर बारी हमसे आगे थे। शगुन चल, मेरी गर्दन छोड़ दे। हमने स्क्रॉल खोला तो उसके अंदर नाम था आलिया और वरुण का। शांति भंग करती है। चल चल चल। येरा येरा येरा। तुझ में रब दिखता है यार मैं। तुझ में रब दिखता है। अरे यार मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है बहुत बार। तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं? दत्ता अपने आप को सिंगर बुलाती है और बहुत बेसुरी थी जब वो गा रही थी वहाँ पे। चल शगुन चल, कम ऑन, वेरी नाइस, चलो चलो चलो। अब जान सूखने लगी थी क्योंकि अब तो भाई अग्नि परीक्षा हो रही थी, हांडा को अपने शरीर पर लाद कर चलना। चल गाइस लेट्स गो। चलो चलो चलो। यही कलर, यही कलर मेरी खुशियों का रंग है और हमें एक पॉइंट मिलता है। ओए एक मिनट बाकी है, जल्दी कर। Come on, Faz. Ritik Katrina, Ritik Katrina. एक मिनट बचा, एक मिनट।
give up mat kar chal please. Somewhere Shagun had given up completely. He was not even coming back. And Handa bhi bahut upset lag rahi thi unke performance se. Chal. Come on, come on. You have to break this one. Chal. Fahad, you can, you can. Arushi Datta aur Fahad were like so good in it. Wo itna easily ja rahe the. It was really, really exciting to watch both of them perform. Have you given up, guys? No. Don't give up. No. Chal. और मेरी एनर्जी और टाइम दोनों खत्म हो चुके थे. हांडा मां कसम, I will train you and make you lose your weight, bro. जल्दी फोड़ो. 10, 9, break anyone? 8. We were like इतना कम टाइम बचा है, भाग के भी कोई फायदा नहीं होने वाला. तो I was like छोड़ो, खड़े रहो, इनको देखो ये क्या करते हैं. 4, come on. No. 3, 2. आगे जाओ. 1-0. एंड मोमेंट पे वो एक गलत मटका फोड़ देते हैं और हमें एक पॉइंट मिल जाता है. मगर स्टिल 5-3. आरुषि एंड फहद, यू गाइस आर वन. कांग्रेचुलेशंस. एक टाइम था जब शगुन ने बहुत ही बदतमीजी से फहद को हराया था. एंड टुडे दिस इज एक्चुअली अ स्लैप ऑन शगुन्स फेस. और अब बारी आती है मेरे रोहन की और श्रुति और गौरव की. हमारी हमेशा कांटे की टक्कर होती है. रोडीज पे भी हुई थी, एक दिन पहले योगालिशियस पे भी हुई थी, बेवॉच सेशन में विच वी वन. एंड आज फिर से दिस इज द थर्ड टाइम वी गोना गो हेड टू हेड. अब हम दोनों जा रहे हैं ऑपोजिट एक दूसरे के, तो बोथ ऑफ अस विल गिव इट आवर बेस्ट. एटलीस्ट वन ऑफ अस विल बी सेफ. आई एम परफॉर्मिंग दिस चैलेंज विद मायरा, इवन दो आई वुड हैव प्रेफर्ड बीइंग विद श्रुति. But yeah, I have to do this challenge, and yeah, I'll do my best.